யெகோசுவா அத்தியாய் 8. யெகோவானே யெகோசுவானு ஆக்கியா ना डर अते ना काबर सारे ज्योतियानु अपने नाल ले अते उठ के आई उते चढ़ाई कर वे मैं आई रे राजेनु ओदे लोकानु ओदे सहरानु अते ओदे देशनु तेरे हत्ते विच्चे दे दित्ता है तू आई नाल अते ओदे राजे नाल वही करी जो तू यरिहो अते उस दे राजे नाल कीता सी निरी उत्थे दी लुट अते डंगर तुसी अपने लई को लियो अते सहर दे पिछे कात ला लियो ता यहोशुआ ते सारे जोते आई उते चढ़ाई करन लई उठे यहोशुआ ने 30,000 सूर वीर चुन लई अते रात नू उन्ना नू कलिया अते उन्ना नू हुकम दिता की वेको तुसा सहर दी कात विच सहर दे पिछे बैठ जाना सहर तों बहुत दूर ना जाना अते तुसा सारी आने तैयार रहना मैं अते मेरे नाल दे सारे लोग सहर दे कोल आवांगे अते यूं होवेगा कि जद वो साड़ा सामना करननु निकलन ता असी उन्नांदे अगे पहला वांगु नसांगे ता वो साड़े पिछे आउनेगे इतो तिक कि असी उन्नानु सहरों दूर किछ ले जावांगे क्यों जो वो आकनगे कि ये साड़े अगो पहला वांगु नस देगन यूं असी उन्नांदे अगो नसांगे तद तुसा कात विच निकल के सहर उत्ते कब्जा कर लेना क्यों जो यहोवा तोड़ा परमेश्वर ओनु तोड़े हत्थ विच कर देवेगा अते यू होवेगा कि जद सहर काबू विच आ जावे ता सहर विच अग ला देनी अते यहोवा दी आज्ञा अनुसार करियो वेको मैं तुहानु हुकम दे दिता है यहोशुआ ने उन्नानु कलिया ता वो कात विच गए अते बेतेल अते आई दे विचकार आई दे लेंदे पासे जा बैठे परे यहोशुआ उस रात लोकां दे विच रिहा ता यहोशुआ ने सवेर दे वेले उठ के लोकां दी गिनती कीती अते वो इसराएल दे बुजुर्गां सने लोकां दे अगे आई वल चढ़िया अते सारे जोते जेड़े उस दे नाल सन उतहां गए अते नेड़े अपड़े अते सहर दे सामने आके आई दे उत्तर वल डेरे लाए उस दे विच अते आई दे विच एक गंड सी ता उसने 5,000 मनुक लई अते उन्नानु बेतेल आर आई दे विच कार सहरों लेंदी वल कात विच बिटाया सो उन्नाने लोकानु अर्थात सारे दलनु जेडे सहरों उत्तर वल सन अते कात वालियानु सहरों लेंदे वल बिटाया आया ता यहोशुआ उस रात कंड विच गया अते यू होया कि जद आई दे राजे ने ये डिट्टा ता उन्ना ने चेती कीती अते सवेर ही उठे अते सहर दे मनुख अर्थात वो अते उस दे सारे लोक मिते होए समय उत्ते अराबा दे अगे इसराएल दे विरोध लड़न लई बाहर निकले पर उसने ये ना जानिया कि सहर दे पिछे उस दे विरोध कात वाले हन ता यहोशुआ ते सारा इसराएल उन्नांदे अगो उजाड़ वल्ल यू नसिया जीवे उन्ना अगो मारे कुटे होए हुंदे हन ता सारे लोक जेड़े सहर विच सन उन्नांदा पिछा करन लई कटे सदे गए सो उन्नाने यहोशुआ दा अजिहा पिछा कीता कि वो सहरों दूर किचे गए उपरंत आई ते बेतेल विच कोई मनुक बाकी ना रिहा जेड़ा इसराएल दा पीछा करन नू ना निकलिया होवे अते वो सहर नू कुल्ला चढ़ के इसराएल दे पीछे भज पए ता यहोवा ने यहोशुआ नू आकिया बरजे नू जेड़ा तेरे हत्थ विच है आई वल लम्मा कर क्यों जो मैं उसनु तेरे हत्थ दे दियांगा ता यहोशुआ ने बरजे नू जेड़ा ओदे हत्थ विच सी सहर वल लम्मा कीता जद ओने अपने हत्थ लम्मा कीता ता कात वाले अपने तां तों चेती नाल उठ के नटे अते सहर विच जावड़े अते ओनू ले लिया फिर उन्नानू चेती नाल सहर नू
अगलादिति जद आई दे मनुकाने पिछे मुँह करके डिट्टा था बेको सैर दा तुआ आकाश दिको फुट रिहासी सो उन्ना विच्चों एदर उदर भजन दी शक्ति ना रही वो लोक जेड़े उजाड़ वल भजे जांदे सन पिछा करन वालियां दे उत्ते उल्ट पए जद यहोशुआ ते सारे इसराइल ने डिट्टा की कात वालिया ने शहर नू ले लिया है अते शहर तो तुआ उठ रहा है ता उन्हां ने मुड़ के आई दे मनुखां नू मार सुटिया अते ये सामना करन लई शहर तो बाहर आए सो वो इसराइल दे विचकार हो गए अर्थात कुछ इसराइली इधर अते कुछ उधर हो गए ता उन्हां ने उन्हां नू इत्तो तिक मारिया कि उन्हां विचो ना किसे नू रहन दित्ता अते ना किसे नू भजन दित्ता ता उन्हां ने आई दे राजे नू जीवंदा फड़ के यहोशुआ कोल ले आंदा ता यूं होया कि जद इसराइल रड़दी उस उजाड़ विच जित्तो उन्हां दा पिछा किता सी आई दे सारे वसनिकां नू वड चुके अते जद वो सारे तेग दी तार नाल वड्डे गए एतो तक कि वो मुल्लो ही मुक गए ता सारे इसराइली आईनु मुड़े अते उन्हां नू तेग दी तार नाल ओनू वड सुटिया यूं उस दिन दे सारे मारे हुए मनुक अते तीविया 12,000 सन अर्थात आई दे सारे लोग क्यों जो यहोशुआ ने अपना हथ जिदे विच बर्चा फड़िया होया सी पिछा ना हटाया जद तक कि उसने आई दे सारे वसनिकां दा सत्यनाश ना कर लिया इसराइल ने उस शहर दे केवल पशु अते लुट दा माल अपने लई खो लिया जीवे यहोवा ने यहोशुआ नु हुक्म दे के गल आकी सी सो यहोशुआ ने आई नु साड़ सुटिया अते सदा ले एक तेप बना दिता वो अज दे दिन तक उजाड़ है फिर आई दे राजे नो सामा तक रुक उते टंग दिता अते जद सूरज डूब गया था यहोशुआ ने हुक्म दिता सो उन्होंने वो दी लोत नो रुक उतो उतारिया अते शहर दे फाटक दे सामने लिया सुटिया अते उस उते पत्रां दा एक बड़ा टेर ला दिता जेड़ा अज दे दिन तक है फिर यहोशुआ ने इसराइल दे परमेश्वर यहोवा ले एक जगवेदी एबाल पहाड़ विच बनाई जिवे मोसा यहोवा दे दास ने इसराइलियां नू हुक्म दिता सी जिवे मोसा दी व्यवस्था दी पोथी विच लिखिया है वो जगवेदी अनखड़े पत्रां दी बनाई होई सी जिस उत्ते किसे ने संद नहीं लाया सी अते उस उत्ते उन्होंने यहोवा ले होम दिया पेटा चढ़ाया अते सुख सांद दिया बलिदान किते उसने उन्ना पत्रा उत्ते मूसा दी व्यवस्था दा एक उतार लिखिया जिनु इसराइलियां दे सामने लिखिया सी अते सारा इसराइल अते उन्ना दे बुजुर्ग अते हुद्देदार अते उन्ना दे न्यावकार संदूक दे इसे पासे अते उस पासे लेवी जाजकां दे सामने जेड़े यहोवा दे नेम दा संदूक चुकदे सन कलोते सन नाले परदेसी नाले कर जम उन्ना दा अद गरिजिम पहाड़ दे सामने अते अद एबाल पहाड़ दे सामने सी जीवे यहोवा दे दास मूसा ने इसराइल दी परजानु बरकत देन दा हुक्म पहला दिता सी फिर उसने व्यवस्था दिया सारिया गल्ला पढ़ के बरकता अते सराप देवे सुनाए जीवे व्यवस्था दी पोती विचे लिखे होए सन जो कुछ मूसा ने हुक्म दिता सी ओदी एक गल भी अजे ही नहीं सी जिनु यहोशुआ ने इसराइलियां दी सारी सभा नाले तीवियां अते न्याणियां अते उन्ना परदेसियां दे सामने जेड़े उन्ना विच वसदे सन ना सुनाया होवे। अय्यूब अध्याय 2। फिर यूं होया कि जद परमेश्वर दे पुत्र
कर आए कि अपने आप नु यहोवा दे सन्मुख हाजर करन ता सतान भी ना विच आया पाई वो भी अपने आप नु यहोवा दे सन्मुख हाजर करे। यहोवा ने सतान नु आकिया तू कितों आया है। सतान ने यहोवा नु उत्तर दे के आकिया कि पृथ्वी विच घूम फिर के अते वो दे विच सेल करके आया हां। ता यहोवा ने सतान नु आकिया कि तैं मेरे दास अय्यूब वल भी अपने मन विच गो कीता क्यों जो पृथ्वी विच उदे जिगा कोई नहीं वो कराते नेक मनुक है जो परमेश्वर तो डरदा अते बुरियाई तो दूर रहंदा है। पामे तैं मैंनो चुकिया कि मैं तगाने उसनो नास करा अज तक उसने अपनी करियाई नु तकड़ा करके फड़िया होया है। सतान ने यहोवा नु उत्तर दे के आकिया कि कल दे बदले कल सगो मनुक अपना सब कुछ अपने प्राणा ले दे देवेगा। अपना हथ बदा के उसकी हड्डी अते उसके मांस नु चो दे ता वो तेरा मुंह फुटकारोगा। यहोवा ने सतान नु आकिया कि वेख वो तेरे हथ विच है पर उसके प्राणा नु बचाई रखी। ता सतान यहोवा दे अगे चलिया गया अते अय्यूब नु पैर दी तली तो लेके सिर दी कोपरी तक बुरियां फोड़ियां नाल मारियां। उसने एक टिकरा लिया कि अपने आप नु ओदे नाल कुरके अते स्वादे विच बैठ गया। उस दी तीवी ने उसनु आकिया कि तैं अजे भी अपने करियाई नु तकड़ी करके फड़िया होया है। परमेश्वर नु फिटकार ते मर जा। पर उसने ओनु आकिया जीवे चलिया तीवियां विच कोई बोल दी है तीवे तू बोल दी है कि असी चंगा चंगा ता परमेश्वर कोलो लईए और बुरा ना लईए। ये सारे विच अय्यूब ने अपने बुल्ला नाल पाप ना कीता। जद अय्यूब दे तिन्ना मित्रा ने ये सारी विपता जेड़ी ओदे उत्ते आ पई सी सुनी ता वो मनुक आपो अपने तातो चले अर्थात अलिफस तेमानी और बिलदद सूही और सोफर नमाती ता वो इकट्ठे होएगी ओदा दुख वंडाउन अते ओन दिलासा देन। जद उन्होंने दूर तो अपनी आखा चुकिया अते ओनु ना पछानिया ता उन्होंने रोन ले अपनी आवाज चुकी ता हर मनुख ने अपने कपड़े पाड़ लिए अते अपने सिरा उत्ते आकाश वल सुआ उड़ाई। वो सत दिन अते सत रातां धरती उत्ते ओदे नाल बैठे रहे। किसी ने ओदे नाल गल ना कीती क्यों जो उन्होंने वेखिया कि ओदी पीड़ दाड़ी है। यसाया दी किताब अध्याय 13 बाबल दा आगम वाग जिनो आमोस दे पुत्र यसाया ने दर्शन विच पाया। नंगे पर्वत उत्ते चंडा खड़ा करो उन्नानु ऊंची आवाज नाल पुकारो हत्त नाल सेनत मारो पई वो पतवंतां दे दरवजियां विच वड़न। मैं अपने संतानु हुक्म दिता है नाले मैं अपने क्रोध नु पूरा करने लई अपने सुरमियानु बुलाया। मेरे हंकारियां अपमानियां नु पहाड़ा उत्ते एक रोले दी आवाज जीवे बड़ी पीड़ दी कोमां दियां पातशाहियां दे इकट दा सोर सेना दा यहोवा युद्ध लई सेना नु इकट्ठा कर रिहा है। ओ दूर देश तो आकाश दे आकर तो लंगे आउंदे हन। यहोवा अते ओदे खजब दे शस्त्र पई सारी धरती नु नाश करन। तुसी ताहा मारो क्यों जो यहोवा दा दिन नेड़े है ओ सर्वशक्तिमान वल्लो बर्बादी वांगू आवेगा। इसलिए सारे हत्थ टिल्ले पै जानगे अते हर मनुक दा दिल टल जावेगा। वो घबरा जानगे त्राटा ते कष्ट उन्नानु फड़ लेनगे। वो जनन वाली की तीवी वांगू पीड़ विच होनगे। वो हक्के बक्के होके एक दूजे नु तकनगे उन्नांदे मुंह तकदे होनगे। वेखो यहोवा दा दिन आउंदा है निर्दाई कहर अते तेज क्रोध नाल पई धरती नु
विरान करे अते ओदे पापियां नू ओदे विच्चों नास करे आकाश दे तारे अते ओदियां कित्तियां अपना चानन ना देनगियां सूरज चढ़दियां सार अनेरा हो जावेगा अते चंद अपना चानन प्रकाश ना करेगा मैं संगत नू ओदी बुरियाई दी अते दुष्टां नू उन्हां दी बदी दी सजा दियांगा मैं मगरूरां दे हंकार दा अंत कर दियांगा अते निर्दयियां दे कुमंड नू हेठां करांगा मैं मनुख नू कुंदन सोने नालो अते इंसान नू ओफेर दे सोने नालो दुर्लभ बनावांगा इसलई मैं आकाश नू कांबा लावांगा अते धरती अपने तांतों हिलाई जावेगी सेना दे यहोवा दे कहर विच अते उस दे तेज गुस्से दे दिन विच तां यूं होवेगा कि पुल्ली हरनी वांगू अते पेड़ जिगादा पाली नहीं हर मनुख अपने लोकां वल मुड़ेगा और हर मनुख अपने तेज नू भज्जेगा हरेक जेड़ा मिल जावे विन्निया जावेगा हरेक जेड़ा फड़िया जावे तलवार नाल डिगेगा उन्नां दे बच्चे उन्नां दियां अक्खां दे अग्गे पटकाए जानगे उन्नां दे घर लुटे जानगे अते उन्नां दियां तीवियां बेपत कीतियां जानगियां वेखो मैं उन्नां दे विरोध मादियां नूं परेर रिहा हां जेड़े चांदी दी परवाह नहीं करदे ना सोने दे कुछ हुंदे हन उन्नां दे तनुक जवान आंदे कुत्रे करनगे वो टिड दे फल उत्ते रहम ना करनगे उन्नां दियां अक्खां बच्चियां उत्ते तरस ना खानगियां बाबल जो पादशाही आंदी सजावट कस्तियां दे हंकार दी सान है सदूम अते अमुरा जिहा हो जावेगा जदों परमेश्वर ने उन्हां नूं टा दित्ता सी वो फिर कदी ना वसाया जावेगा ना पीढ़ियों पीढ़ी आबाद किता जावेगा ना कोई अरबी उत्ते तंबू लावेगा ना आयाली उत्ते अपने इज्जड़ बिठावनगे पर उजाड़ दे दरिंदे उत्ते बैठनगे उन्हां दे कर पोंकन वालियां नाल परे होनगे सुत्तर सुर्ग उत्ते वसनगे अते बन बकरे उत्ते नच्चनगे बिच्छू उन्हां दे कोलियां विच अते गिद्दड़ उन्हां दे रंग महला विच हवा उंकनगे ओदा समा नेड़े आ गया ओदे दिन लम्मे ना होनगे रसलां दी करताब अध्याय 18 एदे पिच्छों पौलुस अतेने तो तुर्के कुरिन्थियुस विच आया और उत्ते अकुला नाउदा एक यहूदी ओनु मिलिया जिदी जम्मन भूमि पुंतुसी अते तोड़े चिरदा अपनी तीवी प्रिस्किल्ला सने इतालिया तो आया होया सी क्यों जो कलोदियुस ने हुकम दित्ता सी पई सारे यहूदी कौम तो निकल जान सो वो उनांदे कोल गया अते इसले जो वो इको किरत करम वाले सन उनांदे संग्रिहा अते वो कम करन लगे क्यों जो किरत विच वो तंबू बनाउन वाले सन अते वो हर सबतुनु समाज विच ज्ञान गोष्ठ करदा अते यहूदियां ते यूनानियां नु मनाउंदा सी पर जद सीलास अते तिमोथियुस मकदूनिया तो आए तद पौलुस बचन सुनाउन विच रुच के यहूदियां दे अग्गे साकी दे रिहा सी जो येसु ओहो मसीह है जा वो सामना करन अते कुफर बकन लगे ता उसने अपने लीड़े चाड़ के उन्नानु आकिया तोहाड़ा खून तोहाड़े सिर मैं बेदोस हां एदो अग्गे मैं पराया कोमा वल जावांगा वो उत्तों तुर्के युस्तूस नामे परमेश्वर दे एक भक्त दे कर गया जिदा कर समाज मंदर दे नाल लगदा सी अते समाज दे सरदार करिस्पुस ने अपने सारे कराने सने प्रभु दी प्रतीत कीती अते कुरंतियां विच्चों बतेरे लोकां ने सुनके नेचा कीती अते बपतिस्मा लिया
ता प्रभु ने रात दे वेले पौलोस नु दर्शन देके कहा, ना डर सगो बोली जा अति चुप ना रह, इसलिए जो मैं तेरे नाल हाँ अति कोई तेनु दुख देने ले तेरे उत्ते हल्ला ना करेगा, क्यों जो इस शहर विच मेरे बहुत सारे लोग हन, सो वो दूड़ बरूस उत्ते रह के उन्ना दे विच्चे परमेश्वर दा वचन सिखाऊं दारिगा। पर जदे गालियो अकाया दा टिपटी सी ता यहूदी मिलके पौलोस उत्ते चढ़ आये अते वोनु अदालत विच्चे ले जाके बोले, ये मनुक लोकानु सरातो उल्टा परमेश्वर दी बंदेगी करनु उपारदा है। पर जा पौलोस मुंह खोलन लगा ता गालियों ने यहूदियानु आकिया, हे यहूदियो जे कुछ जुलम या सख्त बदमाशी दी गल हुंदी ता जोग सी जो मैं तुहाडे सुनदा, पर जे ये चगड़े शब्दा अते नावा अते तुहाडी अपनी सरा विके हन ता तुसी ही जानो, मैं नहीं चाहुंदा जो इन्ना गल्लां दा मुनसफ होवा। ता उसने उन्ना नु अदालत तों बाहर कढ़ दित्ता। ता उन्ना सबना ने समाज दे सरदार सोस्तनेस नु फड़ के अदालत दे सामने मारिया, पर गालियो ने इन्ना गल्लां वल कुछ ध्यान ना कीता। पौलोस होर भी बहुत दिन उत्ते ठहर के फिर पाइयां कोलों विदिया होया अते कंक्रिया विच्चे सिर मुना के, क्यों जो ओने मन्नत मन्नी सी प्रिस्किला अते अकुला दे संग जहाज ते सुरियादी वल्लनु चलिया गया, अते अफसोस विच्च पहुंच के उन्नानु उत्ते ही चढ़िया, पर आप समाज विच्च जाके यहूदियां दे नाल ज्ञान कोष्ट कीती। ता उन्नाने वोदे अग्गे बिनती कीती पई वो कुछ दिन हो रहे, पर वोने ना मन्निया, परंतु ये कह के पई परमेश्वर चाहे ता मैं तुहाडे कोल फिर आवांगा। वो उन्ना कोलों विदिया होया अते जहाज ते चढ़ के अफसोस तो चलिया गया। वो कैसरिया विच उतरिया अर्चा ओने जाके कलिसिया दी सुख शांत पुछी ता अंताकिया विच आया, और उत्ते कुछ चर रह के वो चलिया गया ते गलातिया ते फरूगिया दे देश विच तां तां फिर के सारियां चेलियां नु तकड़ा करदा गया। अपलोस नामे एक यहूदी जिदी जम्मन भूमि मिकदुरिया सी और जो स्वारा बोलन वाला अते लिखता विच बड़ा सुचेत सी अफसोस विच आया, ये ने प्रभु दे राधी सिक्या पाई सी अते मन विच सरगरम होके येसु दियां गल्ला जतन नाल सुनाउंदा अते सिखालदा सी, पर निरा युगनादा बपतिस्मा जानदा सी। वो समाज विच बेतड़क बोलन लगा, पर जां प्रिस्किला अते अकुला ने ओदी सुनी तां उसनु अपने नाल रला के उसनु परमेश्वर दा राह होर वी टीक तरह दसिया। जद उसने अकाया नु जान दी दलील कीती तद पाया ने उसनु दिलासा दिखता अते चेलियानु लिख पेजिया पई उसदा आदर पाव करन, सो उसने उते पहुंच के उन्नांदी बड़ी सहायता कीती जिन्ना कृपा दे कारण नेचा कीती सी, क्यों जो उसने लिखता तो प्रमाण दे देके जो येसु ओहो मसीह है बड़ी तकड़ाई नाल सबना दे सामने यहूदियां दा मुंह बंद कर दिता। आमीन आमीन। सबना नु प्यार भरी जय सिंह, आज जो आप वचन पढ़िया सी उस विच जो कुछ गल्लां नु ध्यान करांगे। यहोशुआ दी किताब अध्याय 8 इस विच आप वेखदे हां कि यहोवा परमेश्वर यहोशुआ दे राही सारे इसराइलियां नु आखदा है कि पहले बार तां तुसी अपने कमी दे कारण आई कोलों हार गए, पर इस बार तुसी नहीं हारोगे, मैं आई नु तुहाडे हाथ विच दे दिता है। सो तुसी करना ये है कि पहले तरह तुसी उन्हां दे खिलाफ चढ़ के जाना,
जद तुसी चढ़ाई करोगे उस तो पहला कुछ घात वाले आनो शहर दे पीछे लुका के मिटावना उस तो बाद तुसी उल्टे छड़ के जाना अते उन्ना कोल जद तुसी पहुंचोगे उन्ना तो नसन वाले वांगू तुसी उन्ना तो नस के उन्ना नु दूर शहर दे दूर खिंच के ले आवना जद तुसी दूर ले आ जाओगे उदो यहोशुआ हुक्म देना है कि लोग जेड़े घात विच बैठे ने वो उस शहर दे विच जाके उस शहर नु नाश करने लगे सो इस प्रकार परमेश्वर आप खुद उनानु आइडिया देके भेज रिया है सो उस योजना रे अनुसार सारे इसराइली अते यहोशुआ जाके आई उनु अपने कब्जे विच कर दे अते वो आई दे सारे लोकानु नष्ट कर दिंदे नाश कर दिंदे अते उत्ते किसी नु भी वो बचा के नहीं रखते हुए आप इस अध्याय दे विच वेखदे हां अय्यूब दे किताब अध्याय 2 दे विच सैतान दोबारा परमेश्वर दे सन्मुख हाजर हुंदा अते आखदा है कि अय्यूब मार तन दे कारण तेनु नहीं पिटकारिया पर वो अपने जान नो उस तो नाल वो प्यार करता है जे तो ओदे शरीर नो अते ओदे हड्डी नो चूहे ता वो तेनो मोहो पिटकारेगा ता परमेश्वर आखदा है कि तू ओदे जान नो छड़ के ओदे शरीर नो कुछ भी करो करके सो सैतान परमेश्वर दे अगवाई हेठ अय्यूब नु चूंदा अते अय्यूब दे शरीर दे विच बुरियां फोड़ियां नु निकालदा सो अय्यूब उस कारण बहुत ही ज्यादा तंगी हुंदा उदो ओदी पत्नी भी आके कहंदी है तू परमेश्वर नु फिटकार के मर जा करके पर वो आखदा है जिवें आपां परमेश्वर कोलों चंगे चंगे दातां नु लेंदे हां उसे प्रकार कदे कदे परमेश्वर तो बुराई नु लेना कोई बड़ी गल नहीं है इस प्रकार वो मूहो परमेश्वर नु ना फिटकारदा होया आपां इस अध्याय दे विच भी वेखदे हां यशायाह नबी दी किताब अध्याय 13 दे विच वेखदे हां यहोवा परमेश्वर यशायाह नबी दे राही बाबिलोन दे विरोध अगम वाक वाचदा है अते वो आखदा है कि मैं बाबिलोन दे खिलाफ खड़ा होवांगा एक दिन उस देश दे खिलाफ आवांगा उदो मैं उस देश नु नाश करांगा नाले उस देश विच रहने वाले पापियां नु मुड्डो नाश करांगा अते उस देश विच ना कोई न्याने ना कोई स्याने रहने के किसे ले भी मैं रहम नहीं बख्शांगा अते उना सबना नु नाश करांगा उना नु नाश करन ले मैं अपनी ही सेना नु इकट्ठा करदा जिस सेना सोना चांदी दी लालच ना करदे होए उस बाबिलोन देश दे जवाना नु बुजुर्ग नु मार देवेगा करके सो इस प्रकार परमेश्वर किवे बाबिलोन सोदम कमूरा वांगो बनावेगा करके लिखिया होया इस अध्याय दे विच आपा देख देखा रसूलों दे करता अध्याय 18 दे विच देख देना पौल अपनी सेवा नु कोरिंथियो शहर दे विच करन ले आया उत्ते अकेला प्रिस्किला ओदे घर विच रह के कम करदे होए परमेश्वर दे सेवा नु यहूदिया अते यूनानिया विच कार करदा पर जद सीलास अते तिमोथियोस मकदूनिया तो आउंदे उदो वो दृढ़ होके येसु ही मसीहा करके यहूदिया नु सिखाउंदा इस कारण यहूदी उसनु मारन ले चाउंदे उदो परमेश्वर पौलोस नु दर्शन दे के आखदा है इस शहर दे विच मेरे ले बतेरे है गेने इस कारण तू कोई डर बिना मेरे प्रति प्रचार कर दे रहो करके कलियो जद अधिकारी बनदा है ओदे कोल पौलोस नु फटके ले आंदे अते उसनु आखदे ये साडे धर्म दे खिलाफ प्रचार करदा है पर गलियो उनानु आखदा है कि तुहाडे धर्म दिया मामले विच मैं शामिल नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੌਲੋਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਪੌਲੋਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਿਤਿਉਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਕਰਿਸਪਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ
समाज रे सरदार परमेश्वर नु मन के अपने घराने समेत प्रभु यीशु मसीह नु कबूल करते हुए बपतिस्मा लेगा। इस प्रकार कोरिन्थियो विच परमेश्वर दी सेवकाई बढ़ती है। सो उस प्रकार उते बहुत दिन तक वो सेवकाई करके फिर अफसोस नु जांदा अते उते भी जाके परमेश्वर दी सेवकाई नु वो करदा। इस प्रकार पौलुस सेवकाई नु करदा। उदो अपना देख देगा अपलो नाम दे एक मनुख भी कोरिन्थियो शहर दे विच आके सेवा करदा। उन्ना नु अकेला ते प्रिस्किला अपने नाल रला के परमेश्वर दे रानु उधरले लोकां नु दिखाउंदे होए समझाउंदे होए आपां देख देगा। सो इस अध्याय दे विच कई प्रकार दी परेशानियां दे विच भी पौलुस अते बतेरे जो प्रभु दे नाम नु प्रचार करदे हो करते रहेंगे ना कि वो डर के वचन नु फैलाउण तो रुक जांदे। इना सारे अध्याय दे विचों आपां देखदे हां कि परमेश्वर दी मर्जी नु पूरा करन ले परमेश्वर ओदे बच्चियां दे अंग संग सदा रहेगा। चाहे शुरुआत दे विच कुछ नुक्स परमेश्वर दे बच्चियां दे विच होवे पर जेड़ा परमेश्वर दे बच्चियां दे खिलाफ उठदा है ओदे विच परमेश्वर ओदे सेना नु खल के पूरा नुक्स कर देवेगा। इस कारण परमेश्वर दे नाम नु प्रचार करन वालेयां नु चाहिदा है कि दृढ़ होके परमेश्वर दे वचन नु अगाह फैले जाना है कदे उस तो नहीं रुकना है करके। सो प्रभु दे प्यारियो इना गल्ला विच ध्यान रखदे होए आपां परमेश्वर दे नाम नु महिमा करने ले हमेशा आगे रहना है ना कोई परेशानी नु देख के पीछे हटना है। जिन्ना ज्यादा आपां परमेश्वर दी नाम नु ऊंचा करने ले आगे आवांगे उन्ना ज्यादा परमेश्वर आपां नु इस्तेमाल करेगा। इन्ना सारे वचना दे रागी प्रभु तहानु आशीष देवे। जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू।